निरंतर योगी हमें बनना है, बनना है निरंतर योगी। 2 घंटे 1 घंटे योगी बनना है या निरंतर योगी, प्रैक्टिकल अपन बात कर रहे हैं ना। और मैं जो किया है वो बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें मैं एक्चुअली मिक्स हो रहा हूँ, क्या क्या बोलूँ क्या क्या नहीं बोलूँ। तो जो किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो कर सकते हैं निरंतर योगी बन सकते हैं। हम जब पहली बार ज्ञान सरोवर में सेवा में आए थे, जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, हम चार्ट लिखते थे बाबा से योग कब नहीं लगा। सुबह आंख खुलने से लेकर रात तक बाबा को कब याद नहीं किया, कब बुद्धि टूटी, वो चार्ट लिखते थे। मैं लिखता था, हम शब्द यूज करता हूं, मैंने रूम में गया हमारे पहले के बाद, है ना, तैयारी किया नहाने की, मैं घुसा, जब मैं टॉवेल से पोंछ रहा था तब मैंने कहा, मैं ऐसे महीन याद थे, मैं निकला तैयार होके बाहर आया, चाय उठाई माना। और आप पूछ सकते थे कि सुबह से रात तक आपने कितना बोला, कितनी लाइनें बोली, माना हम लोगों का इतना अटेंशन रहता था। दोपहर में सो के उठे, अगर बाबा की याद नहीं है तो घबराहट हो जाती थी, जैसे बच्चा जैसे मेले में ऐसे कटी पतंग, याद नहीं बाबा की, तुरंत जब तक बुद्धि से बाबा को पकड़ा नहीं, बुद्धि से बाबा के स्वरूप पे टिका नहीं, तब रिलैक्स हो। अगर बाबा का स्वरूप बुद्धि में नहीं है तो जैसे बच्चे को घबराहट होती है ना, तुम्हें खतरनाक स्थिति में, मेरे को बाबा याद नहीं, माना मैं यहाँ हूँ और बाबा याद नहीं, माना जब तक फिर बुद्धि से बाबा के स्वरूप पे टिके नहीं, बाबा को बुद्धि से तब रिलैक्स होना। जैसे बच्चा हाथ छूट जाए तो घबराता है ना, तो ऐसे बाबा से हमारा प्यार, ऐसे बाबा से हमारी याद, ऐसे बाबा से हमारा संबंध हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूँ ना, पता नहीं पता चले नहीं। तो ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने जो किया।